हिंदू माइथोलॉजी भरी हुई है पौराणिक कहानियों से, जिसमें कई ऐसे योद्धा थे जो आज के मुकाबले बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। और ऐसा ही एक बहुत पुराना ग्रंथ है जिसका नाम है रामायण। रामायण हिंदू माइथोलॉजी के सबसे पुराने और सबसे बड़े ग्रंथों में से एक है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं रामायण के 10 सबसे महाबली योद्धा। अंगद। अंगद बाली के पुत्र थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। इन्होंने रामायण के युद्ध में रावण के पुत्र नारदंदक और उनके सेना के सेनापति महापार्श्व को मार गिराया। कहा जाता है कि अंगद भगवान श्री राम की शांति दूत बन के लंका में गए थे और जब रावण ने उनको अपमानित किया तो उन्होंने रावण की सभा में बैठे सभी लोगों को ललकारा कि मेरे पाँव को जमीन से कोई हिला के दिखाओ। और वहाँ बैठे एक भी राक्षस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंगद के पाँव को हिला भी सके। और फिर आखिरी में रावण ने भी जब कोशिश की तो अंगद ने खुद ही अपना पैर हटा लिया और रावण से बोला कि मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है, जाके श्री राम के पैर पकड़ो। अतिकाया। अतिकाया रावण के पुत्र थे जो कि मेघनाथ के छोटे भाई थे। जब एक बार अतिकाया ने कैलाश पर्वत पे भगवान श्री शिव को क्रोधित किया तो भगवान शिव ने अतिकाया पे अपने त्रिशूल से वार किया, पर अतिकाया ने मध्य हवा में ही त्रिशूल को पकड़ लिया और अपने हाथों को विनम्र ढंग से भगवान शिव के आगे जोड़ दिया। भगवान शिव ये देख के प्रसन्न हुए और फिर भगवान शिव ने धनुष के साथ कई दिव्य हथियारों के रहस्यों के साथ अतिकाया को आशीर्वाद दिया। अतिकाया के पास भगवान ब्रह्मा का दिया गया हुआ अजय कवच भी था, लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने उन्हें ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके मार डाला। जामवन। जामवन पूरी दुनिया के भालुओं के राजा थे। भगवान राम ने उनको अमर होने का आशीर्वाद दिया था और 1 करोड़ शेरों की ताकत भी दी थी। इन्होंने ही भगवान हनुमान जी को उनकी शक्तियां और उनकी उड़ने की ताकत का ज्ञान दिया ताकि वो उड़कर समुद्र पार करके लंका जा सकें। और कुछ दशकों बाद महाभारत काल में भी जामवन और श्री कृष्ण के बीच में भी युद्ध हुआ था। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण के सगे भाई थे और एक बहुत ही भयानक और विशाल राक्षस भी थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी ये वरदान मांगने के लिए कि उनको 6 महीने जागना है और 1 दिन सोना है, पर ऐसे वरदान से इस दुनिया को बहुत ही संकट होता। तो माता सरस्वती उनकी जबान पे बैठ गईं और उन्होंने उल्टा बोल दिया कि मुझे 6 महीने सोना है और 1 ही दिन जागना है। तभी से वो 6 महीने के लिए सोते थे और 1 दिन जागते थे। कहा जाता है कि वो इतने विशाल थे कि वो अपने एक हाथ से 100 लोगों को मार गिरा सकते थे या अपने पैरों के नीचे दबा सकते थे। उन्होंने युद्ध में हनुमान को भी घायल कर दिया था और सुग्रीव को बेहोश करके उनको बंदी बना लिया था, लेकिन अंत में श्री राम ने उसे मार गिराया। जब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में सुना तो रावण बेहोश हो गए थे। लक्ष्मण। लक्ष्मण भगवान श्री राम के छोटे भाई थे और उनके अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ था। वो अपने भाई की तरह बहुत शक्तिशाली योद्धा थे और उन्होंने रामायण के युद्ध में अतिकाया और मेघनाथ के साथ रावण की सेना के बहुत सारे योद्धाओं को मार गिराया था। लक्ष्मण ने ही रावण की बहन सुरपंखा की नाक काटी थी और ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके उन्होंने ही मेघनाथ को भी मार गिराया था। बाली और सुग्रीव। वैसे तो बाली युद्ध में नहीं लड़े थे, पर वो उनके जुड़वा भाई सुग्रीव के एक समान ही थे और एक ही जैसी ताकत भी थी। पर बाली को ये वरदान मिला हुआ था कि उनके साथ कोई भी एक मुकाबला करेगा तो बाली उसकी आधी शक्ति ले लेगा, इसीलिए एकल युद्ध में बाली को हरा पाना मुश्किल था। कहा जाता है कि उन्होंने रावण को भी एकल युद्ध में हराया था और उनको 6 महीने के लिए अपनी भुजा में पकड़ के रख लिया था। रावण। रावण सबसे बड़े राक्षस थे और लंका के राजा भी थे। वो ऋषि विश्रावा और दैत्यों की राजकुमारी केकई के पुत्र थे। उन्होंने कड़ी तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से ये वरदान मांगा था कि उनको कोई भी देवता या राक्षस नहीं मार सके। इसी वजह से भगवान विष्णु ने मानव रूप में श्री राम बन के जन्म लिया था कि भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए इस वरदान को तोड़ा जा सके। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रावण को एक शक्तिशाली राक्षस राजा के रूप में चरित्र किया गया जाता था जो ऋषि मुनियों की तपस्या भी भंग किया करते थे। रावण को दशानंद भी कहते हैं क्योंकि उनके 10 सिर थे और उनके किसी भी सर काटने से उनकी मृत्यु नहीं होती थी और उनकी जान उनकी नाभि में थी। मेघनाथ या इंद्रजीत। मेघनाथ राक्षस रावण के सबसे बड़े पुत्र थे और एक बहुत ही कौशल योद्धा भी थे। मेघनाथ को भगवान ब्रह्मा द्वारा देवों के राजा इंद्र को पराजित करने के बाद उनका नाम इंद्रजीत दिया गया था। उन्हें वरदान था कि अगर उन्होंने अपना यज्ञ पूरा कर लिया और अपने रथ में बैठ गए तो उनको किसी भी युद्ध में हरा पाना नामुमकिन था, पर लक्ष्मण ने उनका ये यज्ञ पूरा होने ही नहीं दिया और उनको मार गिराया। कहा जाता है कि मेघनाथ के पास दुनिया के सबसे खतरनाक अस्त्र और शस्त्र थे। हनुमान। हनुमान भगवान शिव के अवतार थे और वायुदेव के पुत्र थे।
वो आधे इंसान और आधे वानर थे जिनको हरा पाना मुमकिन नहीं था। वो वानर राज सुग्रीव के सेनापति थे और अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली वानर थे। कहा जाता है कि वो श्री राम को भी हरा सकते थे अगर वो श्री राम से लड़ते समय श्री राम का नाम जपते रहे। उन्होंने रामायण के युद्ध में बहुत से राक्षसों को मारा और लक्ष्मण को मृत्यु से बचाने के लिए वो लंका से कैलाश पर्वत संजीवनी बूटी लेने गए, और जब पर्वत जाके उनको संजीवनी बूटी नहीं मिली तो वो पूरा का पूरा कैलाश पर्वत ही उठा के ले आए। और कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं क्योंकि उनको अमरता का वरदान मिला हुआ है। श्रीराम, श्रीराम भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे। वो अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या के सबसे प्रिय और बड़े पुत्र थे। श्रीराम बहुत ही सुंदर और विनम्र थे। उन्होंने भगवान परशुराम का धनुष एक हाथ से ही उठा लिया था जिसको रावण हिला भी नहीं सके थे, और उस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाते वक्त उनके हाथ से वो धनुष टूट गया। रामायण के अनुसार राम एक घंटे में 14,000 राक्षसों को मार गिराते थे। रावण के चहीते दानव मरीच और सुबाहु को उन्होंने एक ही तीर से मार गिराया था, और अंत में रावण का भी संहार उन्होंने ही किया।